नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर टू. कायद अजम रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू. अच्छा, कायद अजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जब रिज़ाइन की थी उसकी वजह क्या थी? और उसकी वजह थी जी नॉन कोऑपरेशन मोमेंट. कायद अजम के नॉन यानी कि इंडियन की नॉन कोऑपरेशन मोमेंट की वजह से कायद अजम ने वो रिज़ाइन कर दी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड कन्विंस्ड कायद अजम टू जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. कायद अजम को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए किस लीडर ने कन्विंस किया था? जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद अजम को कन्विंस किया था जी कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करे, जो कि कायद अजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की. ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ चुका है कि जी कायद अजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की. पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वॉज लॉन्च फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933. जी पाकिस्तानी नेशनल मूवमेंट ये एक मूवमेंट थी जो कि सैयद वज़ीर हसन ने लॉन्च की थी इंग्लैंड में, और लॉन्च की थी और वहाँ 1933 में लॉन्च की गई थी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जी. द सेंट्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट इन्फोर्स्ड बिकॉज ऑफ. अच्छा जी, जो इंडियन एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी, वो उसमें से कौन सा ऐसा सेंट्रल पार्ट था जो कि इन्फोर्स नहीं किया गया था? बिकॉज ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिक्लाइन टू जॉइन द इंडियन यूनियन. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें. द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज. अच्छा जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं ए ओ ह्यूम. ये भी अक्सर 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 और बेशतर ये क्वेश्चन आता रहता है कि जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है, तो आप ये याद रखें जी ए ओ ह्यूम इंडियन नेशनल का कांग्रेस है, कांग्रेस का फाउंडर. ओके आई एम सॉरी. क्वेश्चन नंबर सेवन है. द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. अच्छा जी, प्रिंसली स्टेट्स जो है एरिया बाय पार्टीशन वो था जी कश्मीर. क्वेश्चन नंबर एट है. द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877. जी, सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंड किया था जी, फाउंडेड किया था जी, बुनियाद डाली थी 1877 में. क्वेश्चन नंबर नाइन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी. ठीक है, इन 1907 हेडेड बाय. अच्छा जी, 1907 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया गया था. वो किसने बनाया था जी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर से रिलेटेड है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. क्वेश्चन नंबर टेन है. विच अमेंडमेंट वर प्रपोज्ड बाय कायद अजम इन द नेहरू रिपोर्ट 1928 टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम. अच्छा जी, कायद अजम ने कौन सी एक अमेंडमेंट प्रपोज की थी कि नेहरू रिपोर्ट में, ताकि वो पाकिस्तान को इंडियन मुस्लिम उसको एक्सेप्ट कर सकें, एक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम. ठीक है जी, तो वो थी जी द मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड फॉर 10 years द मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर मेजोरिटी, यस पॉपुलेशन और मेजोरिटी. एंड ऑप्शन सी इज़ द रेजिडरी पार्ट्स शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस. ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. यानी कि ये सब ही अमेंडमेंट्स जो हैं वो कायद अजम ने नेहरू रिपोर्ट में प्रपोज की थी. 11 देखिए जी. मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़ पेपर कॉमरेड. अच्छा जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में जो कॉमरेड जारी किया था, पब्लिश किया था, वो कहाँ से किया था? फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से उन्होंने ये किया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जी. आप देखिए ये जो एरा आ रहा है 1911, 1912, 1913, ये पाकिस्तान अफेयर का उसने वो पार्ट लिया है जो प्री पार्टीशन है, यानी कि पार्टीशन से जो पहले का थोड़ा सा एरा है, जस्ट ये वो वाला वो ज़्यादा दे रहा है हमें. ठीक है, इस लिहाज से आपने तैयारी करनी है कि जी उससे प्री पार्टीशन से 40 to 80 years जो हैं, अबाउट 100 years तो हमारे लिए मस्ट है ना, कि 1857 जंग आज़ादी जो है, जंग आज़ादी से लेके 1947, ये आपका गैप प्री पार्टीशन का पोर्शन,
ये तो 100% मस्ट है ना। और पोस्ट पार्टीशन में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक दो आएंगे चंद, लेकिन ये प्री पार्टीशन में से ज़्यादा आते हैं। पीपीएससी में ऐसा कुछ हमने से देखा है, एग्जामिन किया जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लियाकत अली खान ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर। अच्छा लियाकत अली खान ने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन किया आफ्टर 13 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ कायदे आज़म। जब कायदे आज़म ने ज्वाइन किया उसके 10 ईयर्स बाद लियाकत अली खान ने ज्वाइन किया। व्हाट वाज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा जी 21st एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सिग्निफिकेंस क्या थी? वो थी जी अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड आला बहादुर एड्रेस। अच्छा जी आला बहादुर एड्रेस आपको पता है अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया, बहुत ही मशहूर है ठीक है। और उन्होंने बता दिया जी ये 21st एनुअल उसका सेशन था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प कायदेजम इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स इन। अच्छा जी 14 पॉइंट्स, आई सॉरी इन्होंने मिस्टेक लिख दिया है, 1629 लिख दिया जबकि 1929। अच्छा जी 14 पॉइंट जो कायदेजम के मशहूर 14 पॉइंट्स है, फेमस 14 पॉइंट्स, वो उसमें किसने हेल्प किया था जी? उसमें हेल्प किया था जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायदेजम की। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, अंडर गांधी आयरविन पैक्ट मार्च 1931 इट वाज डिसाइडेड। अच्छा जी अंडर गांधी आयरविन पैक्ट मार्च 31। अच्छा ये क्या डिसाइड हुआ था जी मार्च, इस गांधी पैक्ट के मुताबिक ये डिसाइड हुआ था द कांग्रेस विल कॉल ऑफ इट्स सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट जो कि गांधी जी ने चलाई थी ठीक है, और उन्होंने कहा था जी कांग्रेस इसको बुलाएगी, कॉल ऑफ कर देगी। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इंटू 11 प्रोविंसेस। अच्छा जी ये एक्ट के मुताबिक डिवाइड कर दिया गया था कंट्री को 11 प्रोविंसेस में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हमारे पास, इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन दी यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी में। 1937 के जो इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन किए गए थे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपने यूपी में जीत की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, दी इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस के हवाले से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली इसका एरा पूछा जाता है कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस कब किया गया, तो ये डे ऑफ डिलीवरेंस कब 1939 में हुआ ठीक है, आफ्टर द डिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन अच्छा 22 दिसंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का वर्ड अपने पम्फलेट नाउ और नेवर में कब यूज़ किया? पाकिस्तान का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था जी 1933 में। क्वेश्चन नंबर 19 है दी आइडेंटिफाई दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड दी कैबिनेट मिशन इन 1946। अच्छा जी 1946 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के और जिन्होंने कैबिनेट मिशन को लेड किया था वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अच्छा जी लॉर्ड, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 देखें जी, मोहतरमा फातिमा जिना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, फातिमा जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी जी? 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23rd मार्च 1947 1940 वाज सेकंडेड बाय फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय अब्दुल्ला हारून, यानी अब्दुल्ला हारून की तरफ से ये सेकंडेड की गई थी फ्रॉम सिंध प्रोविंस से थे ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन।
कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मोमेंट, कांग्रेस ने क्विट इंडिया मोमेंट जो लॉन्च की थी वो कब की थी, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने लॉन्च की थी 1942 के। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जिनाब टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द सी आर फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय, सी आर फार्मूला प्रिपेयर किया गया था जी, और इसमें गांधी जी के जो टॉक्स थे वो 1944 में हुई थी, और वो किससे, किसने प्रिपेयर की थी, राजगोपाल आचार्य ने। हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस को कौन प्रिजाइड कर रहे थे जी, लॉर्ड वेविड। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, सर आफ्टर सर आगा खान The next president of All India Muslim League was Sir Aga Khan के बाद जो All India Muslim League के president थे वो थे जी राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, The Hindu had launched Swadeshi movement, Hindu ने स्वदेशी movement यानी to boycott English made goods, English Britishers की यानी चीज़ें वो इस्तेमाल करने उन्होंने बंद कर दी थी, इसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कब स्टार्ट किया था, इन दी वे को पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के उन्हें एक हौसला मिला था कि जी अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो सकती है तो एक नया पाकिस्तान या हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता। उसे नंबर 28 है, दी पीरपुर रिपोर्ट। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जी ये 1947 से पहले यानी 1857 के बाद ये एक 100 ईयर्स का एक ऐसा एरा है जिसमें से 1900 टू 1947 ये 47 ईयर्स ऐसे क्रिटिकल हैं जिसको ये बार बार डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके अलावा पीपीएससी का एक हमेशा से मेथड रहा है कि जी उसने मैथ्स सब्जेक्ट यानी जो जो उनसे भी सब्जेक्ट है उसके उसने एमसीक्यूज जब भी प्रिपेयर करने हैं प्री पार्टीशन में से लाजमी आएंगे, और ये तकरीबन हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो प्री पार्टीशन में से ही क्वेश्चंस आए हैं, पोस्ट पार्टीशन में से कोई भी नहीं है फिलहाल। ये 2012 का पेपर है, ठीक है, तो उस लिहाज से हम इसको आज के मैटर के लिहाज से इसको तैयार करेंगे कि किस तरह से होगा। 28 में हम देखते जी द पीपल रिपोर्ट ऑन द ब्रुटैलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 वाज कंपाइल्ड बाय, अच्छा जी राजा मोहम्मद मेहदी ने ये कंपाइल किया था पीपल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास किया था जी 14th of July 1947। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हैड ट्रांसलेटेड द लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ऑन 23rd of March 1940। मौलाना जफर अली खान ने इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन थी वो उर्दू में किया लाहौर रेजोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 31 है, कायदे समेट एम के गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम 1916 एट, कायदे आज़म जी गांधी साहब से मिले थे एम के गांधी जी साहब से 1916 में लखनऊ में। आइडेंटिफाई द वाइसराय हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940, लॉर्ड लिंथग्रो जो है उन्होंने वाइसराय थे वो, हु मेड अगस्त ऑफर, उन्होंने अगस्त ऑफर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इज क्रॉनपुर मॉस्क ट्रेजेडी हैड टेकन प्लेस इन 1930 में क्रॉनपुर मॉस्क ट्रेजेडी हुई थी। 34 अजी, कायदे आजम सरेंडर्ड द मोस्ट चेरिश्ड डिमांड ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अंडर द दिल्ली प्रपोजल्स 1927। ठीक है, कायदे आज़म जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1938, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी एज अ मेंबर 1930 में मुंबई में।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 इज़ देयर द पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द अथॉरिटी। अच्छा जी, ये अब हम देखते हैं कि अरिस्टोटल, ये बुक है जी द पॉलिटिक्स, ये बुक है, इसका नेम है, ठीक है ठीक है, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे चलाते हैं या क्या इसके रूल्स होने चाहिए, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी जी अरिस्टोटल ने। थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम ऑफ, थॉमस कप जी बैडमिंटन के विनर को दिया जाता है, ठीक है। 38 इज द नोबल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ, नोबल प्राइज पीस फॉर पीस दिया जाता है, दिया गया ओस्लो में। 39 इज देयर विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है, ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, और इसके साथ इट इज आल्सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड कैन वे अप टू 1.5 to 1.6 के जी, यानी 1.5 किलो तक इंसान अडल्ट ह्यूमन में ये ग्लैंड हो सकता है, लीवर जिगर जिसे कहते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्कॉट मूवमेंट, स्कॉट मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो है जी रॉबर्ट बैडन पाउल, और इसके अलावा इन 1906 एंड 1907 रॉबर्ट बैडन पाउल जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल इन द ब्रिटिश आर्मी थे, हु रोट अ बुक फॉर बॉयज अबाउट रिकॉन्टिनेंस एंड स्कॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 41 इज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज, अच्छा जी सर जफरुल्लाह खान जो है वो ICJ के फर्स्ट जज रह चुके हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो कि जज बन चुके हैं। 42 है हमारे पास द UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट। द स्विस कनाल कनेक्ट्स, अच्छा जी स्विस कनाल किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को स्विस कनाल कनेक्ट करती है। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर द 7th टाइम, पाकिस्तान को नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर 7वीं दफ़ा जो है वो सेलेक्ट किया गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कर्व इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी डीलिंग, फॉरेन करेंसी डीलिंग में कर्व को क्या टर्म में आप अंडरस्टैंड करते हैं, द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 इज इतरतास इज अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, इतरतास एक न्यूज़ एजेंसी है, किसकी है जी, रशिया की है। आरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ, आरियाना जो है एक एयरलाइन है अफगानिस्तान की। 48 है जी पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 है, K2 कराक्रम रेंज में वाक़ है। 49 जी आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और जो आर्म फोर्सेस के लिए नॉन ऑपरेशनल अवार्ड हाईएस्ट वो है सितारे बसालत। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ पॉपुलेशंस इज कॉल्ड डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द वर्ल्ड, एड्स, ये अकॉर्डिंग रिसेंट रिपोर्ट, ये जी 2012 का पेपर है, इसलिए आप इसको सिर्फ तब के लिहाज से जाने, अगर अभी के लिहाज से कहेंगे तो अभी के लिहाज से, जैसे कि आप सब जानते हैं WHO ने कहा है जी कोरोना वायरस जो है वो मज़े सेहत है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज है ये। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोनार्की, अच्छा जी ओल्डेस्ट जो मोनार्की रह चुकी है वो जापान की रह चुकी है,
सारी दुनिया की पुरानी जो मोनार्की है वो जापान की है। ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपेक की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया। पेडागोजी इज आ साइंस ऑफ, पेडागोगी जो है वो उसकी टीचिंग का कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 55 इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इज, अर्थक्वेक का जो मेन कॉज है वो है सडन कूलिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ दिस अर्थ सरफेस कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ सम डोरमेंट वोल्केनोस ड्यू टू इंटरनल हीट, समटाइम्स वाटर एक्सचेंज इनटू स्टीम एंड एक्सपैंड्स, और ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज द सेकेंड बिगेस्ट आर्म्स सेलर इन द वर्ल्ड। जी रशिया है जी, यानी फर्स्ट जो बिगेस्ट आर्म सेल है सेलर है वो यूएसए है। ठीक है, और यूएसए के बाद है जी रशिया। क्वेश्चन नंबर 57 इज डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, डिजिटल कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था जी, वो किया जी हॉवर्ड एकिन ने। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, पिन पॉइंट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 59, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज इन इज इन, अच्छा जी ये पाकिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है जो सार्क कंट्रीज हैं, अमंग द सार्क कंट्रीज हाईएस्ट पर कैपिटा यानी जीडीपी पीपीवी इज ऑफ मालदीव्स एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अप्रैल 2015, इट स्टैंड्स एट 14,383 इंटरनेशनल डॉलर्स। अच्छा ये अब का नहीं है, अब का आपने देखना है कि जी अब का हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट क्या है सार्क कंट्रीज में, क्योंकि ये 2012 का है, इसलिए इसको आप अपडेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का फंक्शन क्या है, टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज, एंड इसके अलावा 61 लास्ट 10 क्वेश्चन है हमारे पास। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, 62 है। अमंग द सार कंट्रीज द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम इज ऑफ श्रीलंका, ये अब आप चेक कर लेना कि जी अब का हाइस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच इंटरनेशनल एजेंसी सुपरवाइज इंडियन बेसिन ट्रीटी 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो है जी वर्ल्ड बैंक ने, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है सुपरवाइज किया था जी इंडियन बेसिन ट्रीटी 1960 जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। 64 जी, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ही है। वारसिक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर, वारसिक डैम काबुल के ऊपर बिल्ड किया गया, दी सुंदर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट्स चित्राल एंड गिलगित। ठीक है जी, ये भी अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, सुंदर पास या उसकी हाइट 12,205 है और ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है चित्राल एंड गिलगित को। क्वेश्चन नंबर 67 जी, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स, अच्छा वेपन्स का लार्जेस्ट इम्पोर्टर इंडिया है, लेकिन आपने ये करंट अफेयर है इसलिए आपने रिसेंटली करंट अफेयर को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 68 है जी, ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द ओल्डेस्ट वन इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU। क्वेश्चन नंबर 69 है जी, ऑन चाइना रिसेंटली पब्लिश बुक इज रिसेंट रिटन बाय हेनरी किसिंगर ने ऑन चाइना पब्लिश की थी बुक, ठीक है और राइट की थी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 70 है जी, द फाउंडर स्टोन ऑफ द सिखिज्म होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय हजरत मियां मीर, ठीक है जी, हजरत मियां मीर ने सिखिज्म की होलीएस्ट जो प्लेस थी गोल्डन टेम्पल है उसका
फाउंडेशन स्टोन रखा था, पत्थर जो है अभी यहाँ देखे। ये थे जी हमारे पास 70 MCQs, शॉर्ट MCQs हमने आपको करवाए हैं, ठीक है। और 2012 का पेपर है, तो इसमें जो भी करंट अफेयर है वो आपने अभी खुद इनके अपडेट कर लेने हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, तो अभी फ़िलहाल हमें इस्लामिक स्टडी पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के MCQs हमने जो पढ़े हैं 70, उसमें आप देख लें। उसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल या MCQs वगैरह चाहिए, आप हमें प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, हम आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल को, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें, और इसको मज़ीद आगे तक शेयर करें ताकि लोग इसे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।